अब प्रॉब्लम आती है साइज़ की। यहाँ पे साइज़ पहले चेक करते हैं कितनी साइज़ है। ये तो 46 KB का है, लेकिन फॉर्म में जो है इसका साइज़ मांगा गया है वो मांगा गया है 20 KB का। तो इसे कैसे रिसाइज करेंगे ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो अभी तो हमने यहाँ पे गलती तो करने जा रहे थे, चलिए यहीं से हम कर लेते हैं। यहाँ से एक हम नया टैब बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम करेगा क्योंकि हमने इसे गूगल से ओपन कर दिया है। एक साथ दो चीज़ें नहीं हो सकती, तो अब हम इसे किसी दूसरे ब्राउज़र से ओपन करते हैं। देखते हैं मेरे पास अन्य कोई ब्राउज़र है या नहीं। तो ओपेरा है हमारे पास, चलिए ओपेरा से ट्राई करते हैं। आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम डालेंगे imresizer, ठीक, imresizer.com इस वेबसाइट का नाम है। इस पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले नंबर पे आपको मिल जाएगा। अपलोड फाइल करनी है, ठीक, यहाँ से सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे व्हाइल यूजिंग द ऐप। और यहाँ से हम जाएंगे सिकेट, यहाँ पे देखिए आपको, और आपको यहाँ पे मिल जाता है तो ठीक है, नहीं यहाँ थ्री डॉट पे जाके नीचे से आप गैलरी चूज कर लीजिएगा। गैलरी में आपको फ़ोटो जो है मिल जाएगी, तो यह सिग्नेचर हमने गैलरी से अटैच कर लिया है। ठीक, अब आपको यहाँ पर साइज़ देखना है क्या क्या मांगा गया है। गुड मॉर्निंग, यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर इसकी यानी हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर में से चेंज करेंगे, 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ और 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज़ में यहाँ पे हम 20 डाल देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 20 ही मांगा गया है। देख लीजिए एक बार, हाँ 20 KB मैक्सिमम मांगा गया है। बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। DPI का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, तो DPI हम नहीं सेट करते हैं। ठीक, उसके बाद हम ऊपर आएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे और हमारा जो है फ़ोटो रिसाइज होके डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम डाउनलोड कर देते हैं। रिनेम चाहे, अब देखिए यहीं पे रिनेम का ऑप्शन आ रहा है तो रिनेम भी कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे आप कुछ भी डाल के इसको सेव कर दीजिए। नोटिफिकेशन को हम बंद कर देते हैं। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुकी है, अब हम चलिए इसको अपलोड करते हैं। तो अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने डाउनलोड किया है मेरे ख्याल से ये ऊपर वाला ही होगा, तो देख लेते हैं एक बार। देखिए हो चुका है, ये सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली आपको यहाँ पे दिखाई देने लगा है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे, तो देख सकते हैं हमारा फ़ोटो सिग्नेचर सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है। अब हम चलते हैं ओके बटन पर क्लिक करते हैं, पूरा फॉर्म का प्रीव्यू हमारा यहाँ पे दिखने लगा है। अब आप इसे अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर आप श्योर हैं कि हाँ हमने जो डिटेल सब फिल किया हुआ है ये हमारा सब कुछ सही है, तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। गुड मॉर्निंग, अब यहाँ पे आता है चेक बॉक्स का ऑप्शन, देख सकते हैं आप, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको फिल करेंगे। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड, कंटेंट नॉट वेरीफाइड, पेमेंट पेंडिंग। ठीक, तुरंत तो कंटेंट वैसे ही वेरीफाई नहीं होता है। अब यहाँ पे मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे और पे पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पेमेंट काट देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट गेटवे पे जाने लगा है। तो पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे किसी से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे UPI का ऑप्शन दिया गया है, UPI पे क्लिक करेंगे और किसी दूसरे के फ़ोन से स्कैन करके भी कर सकते हैं। देखते हैं स्कैनर का ऑप्शन दिया गया है QR कोड, तो आप अगर अपने फ़ोन से करना चाहें तो अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी दूसरे के फ़ोन से भी आप स्कैन करा के कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए सर्वर एरर की वजह से कट गया है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आया होगा किस तरह से फ़ोटो साइन को हम लाइव अपलोड करेंगे। बाकी कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।